नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवेश और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल मीफोटेक में। नया साल आने वाला है और हम सभी एंटर करने जा रहे हैं 2018 में। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ना पता हो तो बता दूं कि फ्लिपकार्ट पे अपनी मोबाइल बैनर सेल आने वाली है 3 जनवरी से लेकर 5 जनवरी तक। और हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने अब तक डिसीजन भी ले लिया हो देख कर उनके डिस्काउंट को कि किसी पर 10,000, किसी पर 5,000, किसी पर 8,000 डिस्काउंट जो है मिल रहा है, तो हम मैं ये वाला फ़ोन ले लूँ। फॉर एग्जाम्पल, बहुत ज़्यादा फेमस फ़ोन है मोटो G5 प्लस। तो मैं आपको इस वीडियो को कुछ इन्हीं गलतियों से बचाने के लिए लेकर आया हूं और रिक्वेस्ट करता हूं भले ही वीडियो को लाइक ना करें, चैनल को सब्सक्राइब ना करें, बट इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन। वेलकम बैक दोस्तों, और जो लोग मेरी वीडियो 2018 में देख रहे हैं, आई विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। तो चलिए अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। आपको बता दूं, मैंने अपनी इस वीडियो में 5 फ़ोन को लिस्ट आउट करा, जिसमें 3 फ़ोन 3 टाइप के लोगों के लिए उनकी ज़रूरत के हिसाब के, और 2 फ़ोन ऐसे जिनसे आपको जो है बचना चाहिए और वेबसाइट पर आपको ऊपर ही देखने को मिलेंगे सेल में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ कि आपको इस वीडियो में मैं यूज़ करूँगा एंटूटू बेंचमार्क का पैरामीटर। तो अगर नहीं पता एंटूटू बेंचमार्क क्या होता है, तो आपको बता दूँ कि रेडमी नोट 4 जो इंडिया का टॉप सेलिंग स्मार्टफोन रहा है 2017 का, उसका एंटूटू 60,000 है। तो उसके मुकाबले आप जो है देख सकते हैं कंपेरिजन करके अपने हिसाब से कि इनकी क्या ताकत रही होगी फ़ोन की रेडमी नोट 4 के कंपेरिजन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो जब से टेक्निकल गुरुजी ने ओप्पो और वीवो के फ़ोन को कचरा फ़ोन कहा है, बिलीव मी मैंने उनकी आज तक स्पेसिफिकेशंस भी जो है चेक करने की ज़रूरत जो है नहीं करी थी, बट मैंने जब इस फ़ोन की स्पेसिफिकेशन देखी, इसके बारे में रिसर्च करी, तो पता लगा यार अब ये कचरा फ़ोन जो है नहीं रह गई है कंपनीज़, ये भी अच्छे फ़ोन भी जो है निकाल रही हैं और बेस्ट प्राइस में। तो चलिए इसके चलते हमारे पे जो पहली लिस्ट पर नंबर आया है उसका है ओप्पो F3 प्लस, और इसकी की स्पेसिफिकेशन है आपको बता दूँ, इसमें मिलेगी आपको 6 GB RAM। जी है, 1+5T जो 35,000 का फ़ोन है वो 6 GB RAM दे रहा है। तो इस फ़ोन में आपको 6 GB RAM, 64 GB इंटरनल, 256 GB तक एक्सपेंडेबल, इसमें मिलेगी 4000 mAh बैटरी उन लोगों के लिए है जो रेडमी का लवर हैं। तो इसमें बता दूँ, इसमें भी 4000 mAh की बैटरी है। इसमें आपको 16 MP रियर, 16 MP का और 8 MP का डुअल फ्रंट कैमरा यानी बोके इफेक्ट वाला कैमरा मिलेगा। इसमें आपको स्नैपड्रैगन 653 प्रोसेसर जो है मिल जाने वाला है। इसका एंटूटू है 83,564। तो आप समझ सकते हैं 60,000 नोट 4 का रहा तो इसका कितनी ताकतवर जो है फ़ोन रहा है। ये 8653 प्रोसेसर बता दूं, हाई एंड प्रोसेसर है, और ये जो प्रोसेसर है ये उम्मीद है कि नोट 5 में आएगा। तो इस फ़ोन में नोट 5 जो मतलब 2018 में आने वाला है, ये प्रोसेसर वो इसी में दे रहा है, तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। सबसे बड़ी बात है कि अभी आपको मिल रहा है 12,990 रुपये का, अभी ऑफर में और सस्ता हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 17,990 रुपये का। तो अगर आपको चाहिए एक सेल्फी वाला फ़ोन और साथ में हार्डकोर फ़ोन भी जो आपकी जो सारी गेमिंग नीड्स को ले सके, मल्टीटास्किंग, 6 GB RAM बहुत ज़्यादा होती है गाइस, तो आप पता लगा सकते हैं कि ये फ़ोन आपके लिए बेस्ट फ़ोन है, इसलिए मैंने इसे पहले नंबर पर रखा है। तो दोस्तों पहला फ़ोन तो इसलिए ज़्यादा मैं डिटेल में चला गया, चलो बाकी सारे फ़ोन्स को बिना इतनी डिटेल में जाए जल्दी से देख लेते हैं। तो दूसरे नंबर पर आ रहा है एसस का जेनफोन 4 सेल्फी डुअल कैमरा। तो दोस्तों उन लोगों के लिए है जिन्हें सेल्फी खींचने का बहुत ज़्यादा शौक है, क्योंकि इसमें आपको मिल रहा है 20+8 MP डुअल फ्रंट कैमरा। तो दोस्तों इसकी प्राइसिंग जो आएगी वो आएगी 13,981 रुपये, और इसमें आपको मिलेगी 4 GB RAM, 64 GB इंटरनल, और इसमें मिलेगा आपको एक्सपेंडेबल 2 TB तक, यानी कि 2048 GB, यहाँ सही सुना 2048 GB तक आप इसे बढ़ा सकते हैं। और इसमें मज़े की बात सबसे बड़ी ये रहेगी कि इसमें आपको डेडिकेटेड स्लॉट जो है दिया गया, यानी 2 SIM और 1 मेमोरी कार्ड भी आप इसमें लगा पाएंगे। इसका एंटूटू है आप देख सकते हैं 44,500 के करीब इसका एंटूटू है। तो इसका मतलब ये जो है झेल भी लेगा, जो है नॉर्मल काम रहते हैं गेम एस वेल टेटअप का जो है अच्छे से चला देगा। तो अगला फ़ोन है स्वाइप लाइट 4G। 2018 की ये फ्लिपकार्ट की सेल है और 2018 रुपये में ये स्वाइप लाइट 4G जो है मिल जाता है। 1 GB RAM, 8 GB इंटरनल मेमोरी, 8 MP का कैमरा पीछे का, और फ्रंट पे आपको 5 MP का जो है कैमरा मिल जाता है। इतनी चीज़ें 2000 रुपये में मिलना बहुत बहुत बड़ी बात है। 4G वोल्टी फ़ोन है ये लाइट 4G, स्वाइप लाइट 4G। तो ये उन लोगों के लिए है जियो फ़ोन का तोड़ है, मैं कह रहा हूँ जियो फ़ोन से अच्छा ये फ़ोन आपको ले लेना चाहिए बिना सोचे समझे, पर एक शर्त अभी के अभी बता दूँ, इसका एंटूटू है 4,696, 4,500 का एंटूटू। ये बहुत 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 बुरा एंटूटू स्कोर है, यानी कि इसमें आपको प्रोसेसर वही मिलता है स्पाइस माइक्रोमैक्स वाले फ़ोन इंटेक्स
मैक्स वाले फ़ोन्स का, तो इसमें आप अगर आप 10-15 एप्लीकेशन भी डाल लेंगे तो ये नाच जाएगा एक तरीके से फ़ोन। तो इसमें आपको बिल्कुल आई टी यूज़र के लिए 2000 का फ़ोन है तो आपको 2000 रुपये वाली चीज़ इसमें मिल जाती है, पर 2000 रुपये में आपको इतनी चीज़ें मिल रही है तो वो भी आपके बहुत ज़्यादा अच्छा है 2000 रुपये में। इसलिए बेस्ट डील है ये, बेस्ट स्वाइप लाइट 4G 2000 रुपये में, इससे ज़्यादा चीज़ आपको कुछ नहीं मिल सकती है। दोस्तों अगर वीडियो आपको लंबी लग रही हो तो बट मैंने जैसे कहा था कि सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा अपनी इस एक ही वीडियो में, तो चलिए अपने वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आते हैं कि कौन से फ़ोन से आपको बचना चाहिए। तो इस पर पहला फ़ोन है पैनासोनिक एल्यूगा रे मैक्स, इसमें आपको मिलेगा 4GB 64GB का सेट वही जो रहता है। ये आपकी प्राइसिंग होगी 9999 रुपये और इसका एंटीटू है 36145। तो इसका मतलब इसमें जो एंटीटू स्क्वायर है वो रेडमी 4A वाला ही है क्योंकि उसमें रेडमी 4A का प्रोसेसर इसमें डाल दिया गया है, तो इसे आपको नहीं लेना चाहिए। दूसरा फ़ोन आता है K5 नोट, इसका एंटीटू तो कहने को 44,000-50,000 के आसपास है, बट इसके अंदर जो परफॉर्मेंस है वो बेकार है, बिल्कुल बैटरी बेकार है। मेरे फ्रेंड पे है क्योंकि डेली मैं उस फ़ोन को देखता हूँ तो मेरे को पता है उसकी बैटरी की क्या हालत है, कितना हीट करता है वो कभी कभी, और जो है मैं बता दूँ उसमें एसवेल्टेट मीडियम में भी लैग करता है, तो लो करके चलाना पड़ता है K5 नोट में, तो बिल्कुल 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 ना ले। K5 नोट का प्रोसेसर जो है बहुत पुराने आर्किटेक्चर पे जो है काम भी करता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए होगी, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 वीडियो को शेयर कर दें अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, फेसबुक पे, और हो सके तो वीडियो को अगर लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे से जुड़ने के लिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन याद से दबा दें वरना सब्सक्राइब करने का आपका जो है कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला, ना ही मेरा, क्योंकि आपके तक वीडियो पहुँच ही नहीं पाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय।